दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे हम अपनी बाइक की बैटरी को पानी से या फिर हम सोडे से क्लीन करके उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अमेरोन की बैटरी है जो मैंने ट्विस्टर बाइक में से निकाली है। इसका जो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होता है वो 12 वोल्ट रहता है, पर यदि इसमें कम हो जाए यानी एक भी कोई सेल ख़राब हो जाए तो जो मैक्सिमम जो वोल्टेज रहता है वो कम आउटपुट देने लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी की बाइक की जो लाइट रहती है या हॉर्न रहता है वो नहीं चल पाता या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाती। तो आज हम इस वीडियो में इसे रिपेयर करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पानी भरेंगे। तो पानी भरने के लिए पहले आप ऊपर के कैपों को खोल दें। दोस्तों, बैटरी के कैप्स को आपको पूरी ध्यान से खोलना है, इसमें हमें कोई भी जल्दी नहीं करनी क्योंकि इसके अंदर एसिड होता है जो हमारे ऊपर यदि फैल जाए तो हमें नुकसान भी कर सकता है। तो हमें पूरे ध्यान से इसे खोलना है। इसमें 6 सेल रहती हैं, यदि एक भी सेल ख़राब हो जाए तो जो आउटपुट वोल्टेज रहता है वो कम आउटपुट हमें देता है, तो जिसकी वजह से गाड़ी में जो सेल रहती है हॉर्न रहता है वो नहीं ऑन हो पाते। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसमें डिस्टिल्ड वाटर फिल कर देंगे। इन 6 कैपों में हम तीन तीन बार, तीन तीन इंजेक्शन हम इसमें पानी भर देंगे। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, पूरे जो 6 कैप हैं तो हम उनमें पानी भर देंगे। आगे मैं आपको बताऊंगा, यदि इसमें जो बबल फॉर्म नहीं होते, यदि मतलब रिएक्शन नहीं होता वाटर के साथ, तो हमें आगे क्या करना है जिसकी वजह से हमारी बैटरी जो रिस्टोर हो सके। अब हमें से 12 वोल्ट के चार्जर पे आप 2 एम्पियर 3 एम्पियर कोई भी चार्जर यूज़ करके इसे चार्ज पर लगा दें। चार्ज पर लगने के बाद इसमें बबल फॉर्म होने लगेंगे। यदि इसमें बबल फॉर्म नहीं होते, जिस सेल से बबल फॉर्म नहीं होते उसे हम डेड कंसीडर करते हैं। उस सेल को हम क्या करेंगे, डेड कंसीडर करेंगे और उसमें हम सोडे की हेल्प से उसे उस सेल को हम ठीक करना सीखेंगे। जो आप चार्ज पे लगाएंगे उसे कम से कम 10 मिनट तक आप ऐसे लगा रहने दें, क्योंकि 10 मिनट के बाद ही इसमें बबल फॉर्म होना शुरू होंगे। तो ये बेकिंग सोडा है जो आमतौर पर हम घर पर यूज़ करते हैं, मीठा सोडा। तो हम इसे पहले हम इस सेल को चेक करते हैं कौन सी सेल्स में बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे। जो आगे वाली 3 है उनमें बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे, 4th वाली में थोड़े कम हो रहे हैं, 5th वाली में ठीक हैं, 6th वाली में भी ठीक हैं। अब हमें करना क्या होगा, हमें 1 चम्मच या उससे भी कम इसमें सोडा हमें इस सेल में डालना होगा। जैसे ही इसमें सोडा जाएगा तो ये सोडा रिएक्शन करेगा सेल के साथ, जो अंदर सेल रहती है उसके कार्बनिक साथ रिएक्शन करेगा और उस सेल को साफ़ कर देगा, जिससे उसमें करंट प्रोड्यूस होने लगेगा और बैटरी फिर से चार्ज होना स्टार्ट कर देगी। जैसे ही मैं सेकेंड सेल में सोडा डालता हूँ तो इसमें रिएक्शन उठती है होती है रिएक्शन होती है और ये देखिए इसमें बबल्स फॉर्म बहुत तेज़ी से होने लगे। तो हमें इसमें कम डालना है, ज़्यादा हमें सोडा नहीं डालना, क्योंकि यदि हम ज़्यादा इसमें सोडा डाल देंगे तो जो अंदर की सेल है वो गल भी सकती है। तो मैं इन 6 ही सेलों में थोड़ा थोड़ा सोडा डाल दूंगा, जिससे जो अंदर की सेल है वो क्लीन हो जाएंगी। कई बार क्या होता है दोस्तों, बैटरी को यूज़ करते करते इसके अंदर कचड़ा फंस जाता है, जिसकी वजह से बैटरी का जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो जाता है, या कह सकते हैं कि जो अंदर की सेल है वो ख़राब होने लगती है। तो हम इसमें बेकिंग सोडा यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा उस सेल को क्लीन कर देता है और फिर से जो सेल रहती है उसमें करंट प्रोड्यूस होने लगता है और वो चार्ज होने लगती है। इसके कैप को हम लगाकर अब हम इसे बाइक में चेक करेंगे। तो उससे पहले हम इसका जो आउटपुट वोल्टेज है उसे चेक करने वाले हैं। अब आप जो चार्जर है उसे निकाल दें और मल्टीमीटर की मदद से इसके वो आउटपुट वोल्टेज को हम चेक कर लेते हैं।
दोस्तों यदि आपके पास चार्जर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे रिपेयर करके डायरेक्ट बाइक में इंस्टॉल कर दें, क्योंकि बाइक में भी चार्जर लगा होता है। और जैसे ही आपकी बाइक स्टार्ट होगी, बैटरी भी ऑटोमेटिक चार्ज होना स्टार्ट कर देगी, और काफ़ी थोड़े दिनों बाद बैटरी चार्ज हो जाएगी और वो गाड़ी की सेल्फ जो रहती है उसे भी उठाने लगेगी। तो ये हमारी ट्विस्टर बाइक है जिसकी बैटरी हमने निकाल रखी थी, तो अब हम इसे इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। दोस्तों यदि आपकी बाइक की बै आप गाड़ी में नहीं बाइक में बैटरी डालना ही नहीं चाहते, तो इसमें आप एक कैपेसिटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो कैपेसिटर वाला पार्ट है वो मैंने पिछली वीडियो में बनाकर दिया है, तो वो हमें कम कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि जो उसमें कॉस्ट आती है वो ओनली 10 रुपये का एक कैपेसिटर ही लगता है, 4700 UF का। और जो बाइक की हॉर्न या लाइट है वो ऑन हो जाती है, पर उसमें एक डिमेरिट ये है कि उससे हम सेल्फ नहीं उठा सकते। तो हम इससे मैंने ये वीडियो लाया हूँ जिसमें मैंने बैटरी को रिपेयर करके बताया है। देखिए न्यूट्रल लाइट भी चालू हो गई है और हॉर्न भी बजने लगा है। आप जैसे जैसे बाइक स्टार्ट करेंगे तो जो बाइक की बैटरी वो चार्ज होने लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चार रोड ब्रेक्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।